तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज जो पोर्ट्रेट मैंने बनाया है वो आरती साहू दीदी का है। बहुत ही अच्छा कंटेंट क्रिएटर है वो, अच्छा वीडियो बनाता है शॉर्ट। इंस्टाग्राम में अभी 2 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दीदी। और मैंने अभी ये पोर्ट्रेट कैसे बनाया, कौन से मीडियम में, वो अभी बताऊंगा। तो पहले मैंने देखो स्केच कर लिया था, और मैं कैसे किया स्केच बहुत ही जल्दी से वो मैं कोई और वीडियो में बता दूंगा। तो बेसिकली ये जो कलर मैंने यूज़ किया है वो है पोस्टर कलर, और वाटर कलर ही एक और एक मीडियम है वो है पोस्टर कलर। बहुत ज़्यादा वाटर कलर क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है, स्मूथ होता है। और पोस्टर कलर क्या होता है, बहुत ही डीप कलर होता है, वो आपको ज़्यादा वाटर यूज़ नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा वाटर नहीं लेना पड़ता है पोस्टर कलर में। तो मैंने पोस्टर कलर में किया, और बैकग्राउंड में जो है वो बैकग्राउंड में मैंने वाटर कलर यूज़ कर दिया, क्योंकि जो ब्लर इफेक्ट है, अच्छा वाइट से अगर वाइट पेपर अगर आपने छोड़ दे तो ज़्यादा इतना इफेक्ट आता नहीं है, इतना अच्छा देखने को मिलता नहीं है। तो अगर आप बैकग्राउंड में ना, तो आप अगर वाटर कलर यूज़ कर देते हो अच्छे से, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैंने ना हो सका वाटर कलर बैकग्राउंड यूज़ किया, और आप फाइनली देख सकते हो कैसा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और ये पोर्ट्रेट मैंने बहुत ही कम समय में बना दिया था, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया था। और देखो, आप अगर ऐसा अच्छा वर्कअप भी करना चाहते हो, कोई भी फील्ड में हो आप, और मुझसे भी ज़्यादा या फिर किसी से भी अच्छा, तो आपको क्या करना होगा कि आप पास्ट में कितना स्ट्रगल करते हो, कितना अच्छा वर्क करते हो, कितना टाइम देता हो, वो बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि आप अगर फर्स्ट में आपने ज़्यादा टाइम नहीं दिया और ज़्यादा मेहनत नहीं किया, तो आगे जाके आप वो कम समय में अच्छा वर्क नहीं कर पाओगे, तो ये बहुत ही मैटर करता है। तो प्रैक्टिस करते रहो, इम्प्रूव अपने आप होगा। और गाइस, नहीं था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।